कैसी दुआ है? क्या इसे दुआ कहा जाए? कैसे कहें इसे दुआ? किसने सिखाई दुआ करनी? ये दुआ करने का तरीका कार क्या खुदा के कलाम के मुताबिक है? क्या यीशु ने जो दुआ करने का तरीका बताया, यहाँ पर हमें वो नजर आता है? या शायद यीशु की दुआ से अभी ये वाकिफ ही नहीं, जो इनको पता नहीं कि दुआ करने का क्या तरीका होता है। वैसे तो दुआ रुबानी में हमें वो तरीका मिलता है, लेकिन मैं एक बात यीशु मसीह की याद दिलाना चाहता हूँ। मत्ती 6:7 में लिखा है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। दुआ का मतलब ही है इल्तजा करना, दरख्वास्त करना, पुकारना, मांगना, तलब करना। दुआ के मतलब के मुताबिक ये दुआ दुरुस्त नहीं है। ये ऐसे लग रहा है जैसे हुक्म किया जा रहा है खुदा से, और खुदा कोई नौकर नहीं। ये दुआ करने का तरीकाकार नहीं है, ये बकबक करना है, ये ज्यादा बोलना है, क्योंकि समझा ये जाता है कि हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारी ज्यादा सुनी जाएगी। जब हम दुआ कहते हैं तो दुआ में आजजी आनी चाहिए, संजीदगी आनी चाहिए। अब जिन्होंने यीशु से दुआ सीखी है उनकी दुआ देखे जरा, और ये कहकर दुआ की कि ऐ खुदावन तू जो सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर करके इन दोनों में से तूने किस को चुना है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। अब आपने देखा शागिर्दों की दुआ, जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उनकी दुआ में और इनकी दुआ में कितना फर्क है। मेरे अजीजो, आप तहम्मुल के साथ दुआ करें, संजीदगी के साथ दुआ करें, आपकी सुनी जाएगी। ना कि शोर शराबा करने से, ना कि तालियां मार मार के आप दुआ कर रहे हैं, और सभी कर रहे हैं और पीछे म्यूजिक लगाया हुआ है, बांसुरी बजाई जा रही है। ये किस तरह की दुआ लोगों ने सीख ली है? और ये यहीं पर नहीं हो रहा, बल्कि बहुत से चर्चेज में ऐसा किया जाता है, सभी दुआ करते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि एक बंदा दुआ में रहनुमाई करे, दुआ में हमें लीड करेगा, लेकिन जब वो दुआ करता है तो दूसरे भी सारे दुआ करना शुरू हो जाते हैं। जब एक बंदा दुआ में रहनुमाई कर रहा है तो चाहिए कि वही बंदा दुआ करे और बाकी सब उसके पीछे मुत्तफिक हों और आमीन कहें।